जैसा कि पिछला वीडियो में देखा कि राजगीर बिहार में काका बन रहा है, सीसा वाला पुल के बारे में जाना, तो चलिए आज बताते चलते हैं। जब अपनी महबूबा के संग राजगीर सीसा वाला पुल देखने आए तो भटक न जाएं, न तो सुनबो करिएगा। तो जानते हैं राजगीर हाईवे पर कहां से कैसे जाना है, किधर से जाना है, तो चलिए जान लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम हैं विनय भारती और आप देख रहे हैं हिंदी झरोखा चैनल। तो चलिए कुछ नया जानते हैं। राजगीर वो जगह है जहां बुद्ध की धरती माना जाता है, लेकिन लोगों को यह नहीं बताया जाता कि इनका सबसे पहले यानी मगध की राजधानी बनने से बहुत पहले कृष्ण काल में ही यह राजा जरासंध का साम्राज्य था। यहां ही भीम और राजा जरासंध के बीच मल्ल युद्ध हुआ था, जो महाभारत में देखबे किए होंगे। सबसे पहले राजगीर आइएगा, राजगीर कुंड पर ही उतरिएगा, आपको वहां से सीधे झूला पर बोलता है वहां आइएगा, जहां लिफ्ट लगा हुआ है शांति स्तूप पर जाने के लिए। वहां से अपना दाहिना साइड एक कचिया सड़क गया है, जंगल में है, वहीं से 4-5 किलोमीटर चलिएगा, लेकिन अपनी वाली के साथ हैं तो 2-4 आदमी रहिएगा तभी उधर जाइएगा। ऐसे दिन में 3 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सांझ के नहीं जाइएगा। तो सीधे पहुंच जाइएगा घोड़ा कटोरा झील, एकदम कश्मीर घाटी है वो। अच्छा, सीसा वाला पुल रास्ता बताबे वाला थे ना महाराज, हमरो मैडम से 2-4 गाड़ी सुनवाइएगा, कहने जाना था और कहने लेके चले गए बात बात में। तो अच्छा चलिए, सीसा वाला पुल का रास्ता दिखाते हैं। तो कुंड पर से शांति स्तूप वाला रास्ता में आगे बढ़िएगा तो आपको 2 किलोमीटर चले पर दायां साइड एक सड़क जाता है, यहाँ पर मनियार मठ है, यहाँ से आगे बढ़ जाना है। दोनों तरफ जंगल है, रुक के जंगल में मंगल मत करे लगिएगा। अब ऐजा पर पिकनिक मनाना भी मना कर दिया गया है, कहे कि सब प्लास्टिकबा वाला पत्तल लेकर आता था और ऐजे पर फेंक के चला जाता था, घिनौना कहीं का। छोड़ा, यहाँ से सीधे जाइएगा तो आपको स्वर्ण भंडार मिलेगा। यहाँ से भी दायां एक रोड जाता है, लेकिन आपको बायां साइड मुड़ना है। बायां साइड 1 किलोमीटर जाइएगा तो आपको राजा जरासंध वाला मल्लयुद्ध वाला अखाड़ा मिलेगा। यहाँ दूध से पटाता था कातो राजा जरासंध, इसलिए यहाँ का मिट्टी आज भी सफेद जैसा लगता है, एकरा में कोनो शक नहीं है। यहाँ से हल्का बाएं ओर मुड़िएगा तो आपको गार्ड रोक देगा, कहेगा भैया इधर नहीं जाइए। पूछिएगा आप काहे काहे नहीं जाएं, तो कहेगा अभी काम पुल बने वाला पूरा होबे नहीं किया है, सब ऐसे ही झूठों के वायरल कर दिया, इतना भीड़ लगा देता है कि वहाँ के काम करे वाला के दिक्कत होता है, काम भी सही से नहीं कर पाता है, सब लोग सबको परेशानी हो जाता है, इसलिए मना कर देवल गया है। तो वहां से लौट जाइएगा बिना सवाल जवाब किए, कहे कि बतिया तो सही कहेगा, लेकिन फिर तो आपकी वाली आप पर गुस्सा हो जाएंगे, आँख लाल पीर हरियर कर देंगे। अब बेलन से बचना है तो आपको एगो उपाय बताते हैं। कुंड पर से लगभग 6 किलोमीटर आगे जाइएगा तो दाहिना साइड एक रोड गया है, तपोवन बोलता है, वहाँ भी गर्म कुंड है। वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे जाइएगा, ऐसे पहाड़ों पर घूमते हुए जाइएगा, आपकी वाली भी रोमांचक होगी। अब आप पहुँच गए हैं दशरथ मांझी पथ, जिसका कंपेयर ताजमहल से किया जाता है और करना भी चाहिए। एक आदमी फगुनिया के प्यार में लगभग 200 मीटर लंबा पहाड़ काट दिए, वो भी अकेले, ये तो सोचे वाली बात है कितना प्यार रहा होगा दोनों में। तो यहाँ पर्यटन तो होना चाहिए, तो आप अगर पढ़े लिखे इतिहास में रुचि रखे वाला है तो ठीक है, लेकिन आपकी अपनी वाली जो है वो देख के गुस्सा जाएगी, इतना दूर खाली लाए हैं पहाड़ के कटल का दिखा दे ले। तब बता दीजिएगा फगुनिया के कहानी कि दशरथ मांझी उसे कितना प्यार करते थे कि उनका प्यार में इतना बड़ा पहाड़ काट दिए, तो हो सकता है कुछ समझ जाएंगी, लेकिन सही बात है, यहाँ लोग आते हैं सफर के पहाड़ में रास्ता देखने के लिए, फिर कहाँ जाएं। इधरों एगो पार्क दशरथ मांझी के नाम से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एजापटी जगह की कमी है, जगह भरपूर है, लेकिन मंत्री जी के ध्यान नहीं आने जाए, खाली रजगिरवे के विकास करे से हो जीते, सगरो करहू है कि नहीं, कहिए कि गलत बोल रहे हैं। अब ऐजा आ गए हैं तो राजगीर जाके पांडु पोखर अपना बाली को घुमा दीजिएगा, बोट उट चढ़ा दीजिएगा, समझ गए, बेलना पड़े से बच जाइएगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और दबा के शेयर करिएगा, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो बा के नोटिफिकेशन तुम्हारा मिलते रहे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और अपन वाली के भी खुश रखिए।